हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास फॉर school.com। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं गॉसस के नियम के, अर्थात जो गॉस का नियम था। गॉस के नियम से पहले हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स। इसके पिछले लेक्चर में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल से सॉल्व किए थे, अर्थात अब तक तो हम लोगों ने जितने भी डेरिवेशंस किए उसके आधार पे हम लोगों ने न्यूमेरिकल को सॉल्व किया। अब हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं वैद्युत फ्लक्स के बारे में। पहले तो हम लोग क्या करेंगे, वैद्युत फ्लक्स के बारे में समझेंगे कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, इसका उपयोग कहां कहां करते हैं, ये क्यों अपने लिए उपयोगी है, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें वैद्युत फ्लक्स की, तो वैद्युत फ्लक्स के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा था वैद्युत बल रेखाओं की संख्या में, तो हम लोगों ने वहां पर देखा था फाई से हम लोगों ने क्या किया, एक इसका जो एक प्रॉपर्टी था, एक गुण था, हम लोगों ने क्या देखा था, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स या वैद्युत बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। वहां पर हम लोगों ने बस केवल इतना ही बात किया था कि जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है हम लोग उसको किससे मापते हैं, फ्लक्स अर्थ फाई से मापते हैं, और फाई को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। आज हम लोग उसी फ्लक्स को डिटेल में पढ़ने चल रहे हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग इमेजिन करते हैं, मान लेते हैं अपने पास कोई इस तरह से एक पृष्ठ है, ठीक है ना, एक बिना किसी आकार का, अर्थात कहने का मतलब इसका कोई आकार कन्फर्म नहीं, कैसा है हम नहीं, जैसे वृत्ताकार कह सकते हैं, ठीक है ना, कोई इस तरह से अपने पास पृष्ठ है। अब हम लोग ये कह सकते हैं कि इस पृष्ठ में आवेश होना चाहिए, इस पृष्ठ में क्या होना चाहिए, आवेश होना चाहिए, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स के लिए हमें जरूरत पड़ेगी वैद्युत क्षेत्र की। तो आपको पता है वैद्युत क्षेत्र कहां मिलता है, जहां पर आवेश होता है, जिस पृष्ठ के अंतर्गत क्या कार्य करता है, आवेश कार्य करता है, हमारा वैद्युत बल रेखाएं वहीं पर उपस्थित होती है। तो अपने पास कोई एक पृष्ठ है, ठीक है ना, और उसके उसमें क्या है, कोई आवेश है, तो आपको पता है जहां आवेश होता है वहां पर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र। तो ये जो वैद्युत क्षेत्र है केवल इसी पृष्ठ के अंदर है, अर्थात पृष्ठ के अंदर क्या है, आवेश, और जो पृष्ठ के अंदर आवेश है वो अपने चारों तरफ किसका निर्माण करेगा, वैद्युत क्षेत्र का। तो हम लोग ये कह सकते हैं इसके जो वैद्युत क्षेत्र का जो एरिया होगा वो क्या होगा, केवल यही इसका वक्र होगा, अर्थात ये वक्र जहां तक घिरा हुआ है, ठीक है ना, यही इसकी वैद्युत क्षेत्र की क्या होगी, सीमा होगी। चलिए वैद्युत क्षेत्र भी हम लोगों ने प्लॉट कर लिया आवेश को डाल करके, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहां से इस पृष्ठ से वैद्युत बल, अर्थात हम लोग इधर साइड से वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या करेंगे, लेकर आएंगे। तो वैद्युत बल रेखाओं की जब संख्या को लेकर के आएंगे तो क्या करेंगे, वैद्युत बल रेखाएं इस तरह से आएंगी, आपने वैद्युत बल रेखाओं के बारे में पढ़ाई है, ऐसे करके मान लेते हैं वैद्युत बल रेखाएं इस तरह से क्या कर रही है, पृष्ठ के अंदर प्रवेश कर रही है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, कुछ वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के अंदर प्रवेश कर रही हैं और कुछ वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के बाहर प्रवेश कर रही हैं। तो जो वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के बाहर जा रही हैं, अर्थात पृष्ठ के बाहर है, उनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, क्यों, क्योंकि वो वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है, अर्थात हम वैद्युत फ्लक्स को काउंट करना चाहें, ठीक है ना, तो हम लोग काउंट कहां से कर सकते हैं, जो इसके पृष्ठ से, जो अर्थात जो इसके पृष्ठ में प्रवेश कर रहा है उसी वैद्युत बल रेखाओं को हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, माप सकते हैं। तो यहां पे देखें ऊपर और नीचे वाले को छोड़कर के बाकी सभी वैद्युत बल रेखाएं क्या कर रही है, इस पृष्ठ के अंतर्गत प्रवेश कर रही है। तो याद कीजिए इस पृष्ठ के अंतर्गत प्रवेश कर रहे हैं। आपको एक बात और याद होगा कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो सदैव पृष्ठ के कैसी होती हैं, अभिलंबवत होती हैं। तो ये पृष्ठ क्या करेंगे, वैद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ के अभिलंबवत प्रवेश करेंगे, इसके अंतर्गत क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, क्योंकि इसमें क्या है, आवेश है। तो हम लोग करेंगे क्या, इस पृष्ठ का एक छोटा सा एरिया ले लेंगे, मान लेते हैं इसका एक एरिया ये है, और इस एरिया को हम लोग क्या मान लेते हैं, डी ए मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, डी ए। तो हो सकता है इस छोटे से एरिया का अगर हम लोग, ठीक है ना, पता कर ले कि इस छोटे से एरिया में कितना वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं, एक प्रवेश कर रही है कि दो प्रवेश कर रही है कि तीन प्रवेश कर रही है, तो ये जो अपना पृष्ठ है ये छोटे छोटे क्षेत्रफलों से मिलकर के बना है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, उन्हीं क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे, जोड़ना तो आसान है नहीं क्योंकि पता नहीं है कि कितने क्षेत्रफलों से मिलकर के बना है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसी छोटे से क्षेत्रफल का हम लोग क्या कर देंगे,
बैतूल क्षेत्र के रिस्पेक्ट में समाकलन कर देंगे तो हम लोगों को यह पता चल जाएगा कि इस पृष्ठ में कुल कितनी बैतूल बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं, ठीक है ना। अर्थात बैतूल बल रेखाओं की संख्या के माप के बारे में पता चलेगा। तो याद रखिएगा कि जो बैतूल फ्लक्स होता है यह बैतूल बल रेखाओं की संख्या की क्या होता है, माप के बारे में बताता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बैतूल फ्लक्स कहते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आ रहा है, इसके अंतर्गत हमारा क्षेत्रफल आ रहा है और इसके अंतर्गत हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। तो आपको पता है जो क्षेत्रफल है वो पृष्ठ के कैसा होता है, अभिलंबवत होता है। ये हम लोग इसको हम लोग क्षेत्रफल सदिश बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा वैद्युत क्षेत्र, हम लोग एक दिशा में वैद्युत क्षेत्र को मान सकते हैं। अर्थात इसके किसी भी बिंदु पर हम लोगों ने देखा था कि वैद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। तो वैद्युत क्षेत्र है, क्षेत्रफल सदिश है, वैद्युत बल रेखाएं हैं। तो हम बताओ इन वैद्युत बल रेखाओं को किससे मापेंगे, फाई से, और उसी फाई को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है ना। अब शायद वैद्युत फ्लक्स के बारे में हम लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ, क्या है ये, वैद्युत क्षेत्र में स्थित, ये जो पृष्ठ है कहां पर स्थित है, वैद्युत क्षेत्र में। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजर अभिलंबवत, से कैसे अभिलंबवत, अर्थात अगर पृष्ठ ऐसा है तो वैद्युत बल रेखा इस तरह से प्रवेश करेंगे, तो अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स की माप के बारे में प्रदर्शित करती है, माप के बारे में बताती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो सीधी सी बात है, ये हमसे पूछ रहा है इस पृष्ठ के अंतर्गत कितना वैद्युत बल रेखाएं क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है। तो मैंने अभी कहा इसका ये छोटा सा क्षेत्रफल, ठीक है ना, और इसमें वैद्युत क्षेत्र है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन जो क्षेत्रफल है अर्थात क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र, इनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, इनका रेखीय समाकलन करते हैं, ठीक है ना। इस पृष्ठ का क्या कर देते हैं, रेखीय समाकलन कर देते हैं, जिससे कि हम लोगों को क्या पता चल जाता है, वैद्युत फ्लक्स के बारे में आसानी से हम लोग काउंट करके बता सकते हैं उस पृष्ठ में कितनी वैद्युत बल रेखाएं की संख्या प्रवेश कर रही है, ठीक है ना। तो चलिए इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, डिफिनेशन मैंने अभी समझाया, क्या डिफिनेशन है वैद्युत फ्लक्स। तो पहले हम लोग क्या लिख लेंगे, हेडिंग वैद्युत फ्लक्स। तो किसी बंद हम लोग क्या बोलेंगे, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या वैद्युत बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ में गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स कहलाती है, उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। इसे फाई ई लिख देंगे तो इलेक्ट्रिकल हो जाएगा, इसे फाई से या फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ई मैंने इसलिए लगा दिया क्योंकि इलेक्ट्रिक है अर्थात वैद्युत के बीच में है, ठीक है ना। फाई से प्रदर्शित करते
करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आया? एक बार डिफिनेशन हम लोग फिर से देखते हैं। वैद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ से अभिलंबवत, किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, अर्थात इस पृष्ठ से कैसी गुजरेंगी? अभिलंबवत गुजरेंगी। वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होगी उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो हम लोगों ने अभी देखा इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई से। तो फार्मूला क्या मिलेगा हम लोगों को? फार्मूला मिल जाएगा फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटू कितना? डी ए, अर्थात इसका छोटा सा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? छोटा सा क्षेत्रफल ए। तो बता इस पृष्ठ का क्या कर देंगे? रेखीय समाकलन कर देंगे। तो इस पृष्ठ का जो रेखीय समाकलन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ई डॉट कितना? अब बताओ ये भी वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना? अर्थात ये भी अपनी सदिश है और क्षेत्रफल सदिश को भी हम लोग सदिश मान करके चले हैं, ठीक है ना? दो सदिश है और ये क्या है? एक दूसरे के समांतर है ना, तो हम लोग क्या करते हैं? समांतर के लिए डॉट का सहारा लेते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? डॉट हो जाएगा। तो फार्मूला क्या मिला हम लोगों को? फाई बराबर हो गया रेखीय समाकलन वेक्टर ए डॉट वेक्टर कितना? डी ए। ये छोटा सा क्षेत्रफल है ना, इसी छोटे से क्षेत्रफल का हम लोग क्या कर देंगे? रेखीय समाकलन कर देंगे। तो हम लोगों को इसके पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल मिल जाएगा और पूरे पृष्ठ से गिन करके हम लोग बता सकते हैं कि कितनी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या हमारे पास है या इस पृष्ठ से गुजर करके गई है, ठीक है ना? तो इसी को फार्मूले को अगर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो फार्मूले को क्या हो जाएगा? जब भी आप क्या देखते हैं, दो वेक्टरों के बीच में अगर डॉट होता है तो वहां पे कॉस को लेते हैं कि साइन को? तो याद रखना, जब डॉट होता है तो कॉस को लेते हैं, क्रॉस होता है तो साइन को लेते हैं। आपने इसके पहले क्रॉस को भी देखा था, वो कहां देखा था? टाउ बराबर पी साइन थीटा था। तो जब जहां साइन थीटा होता है दो संशो के बीच में वहां पे क्रॉस होता है, और जहां से क्या होता है दो संशो के बीच में डॉट होता है वहां पे कॉस होता है, ठीक है ना? तो याद करके हम लोग अगर देखें तो क्या हो जाएगा? फाई बराबर हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, इसका रेखीय समाकलन, ठीक है ना? चलिए ये तो मिला हम लोगों को फार्मूला फार, इससे इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं। चलिए इसके मात्रक को देखते हैं, ठीक है ना? मात्रक लिख लेते हैं, बीमा निकालेंगे उसके। अच्छा, मात्रक और बीमा से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करें, ये देख लें ये सदिश राशि है कि अदिश राशि है। याद रखना हमेशा ये एक अदिश राशि है। कैसी राशि है अपनी फ्लक्स? एक अदिश राशि है। ऐसा क्यों? क्वेश्चन में पूछ सकता है कि ये अदिश राशि क्यों है? तो ये अदिश राशि इसलिए है जब भी कोई वैद्युत बल रेखाएं, इमेजिन करिए यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। मान लेते अपने पास कोई वृत्ताकार पृष्ठ है, अर्थात गोलीय पृष्ठ है। तो होता क्या, हम लोगों को पता है कि किसी पृष्ठ में जितनी वैद्युत बल रेखाएं क्या करती हैं? प्रवेश करती हैं, उतनी ही मात्रा में वैद्युत बल रेखाएं क्या करती हैं? उस पृष्ठ से बाहर निकलती हैं। क्या करती हैं? उस पृष्ठ से बाहर निकलती हैं, ठीक है ना? तो याद रखना इस पृष्ठ में अगर वैद्युत बल रेखाएं, देखो एक साइड से वैद्युत बल रेखाएं आ रही हैं और एक साइड से वैद्युत बल रेखाएं क्या कर रही हैं? जा रही हैं। तो अगर वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के अंदर प्रवेश करती हैं तो फ्लक्स कैसा होता है अपना? निगेटिव। अपना फ्लक्स कैसा होगा? ऋणात्मक। अगर अब देखो इस पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं क्या कर रही हैं? इस पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं बाहर जा रही हैं, तो यहाँ पे जो अपना फ्लक्स होगा वो कैसा होगा? धनात्मक होगा। तो ये अगर प्रवेश कर रही है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ऋणावेश होगा। अगर यहाँ से ये दूर जा रही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? धनावेश। क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं किसको प्रदर्शित करती हैं? वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, क्योंकि उसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा किसको रिप्रेजेंट करेगी? वैद्युत क्षेत्र को। तो इस लाइन पर हम लोग वैद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करेंगे तो इसी पे वैद्युत क्षेत्र हम लोगों को मिलेगा, ठीक है ना? तो हम लोगों ने पढ़ा जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो ऋणावेश के समीप आता है, तो यहाँ पे आवेश कैसा होना चाहिए? ऋणावेश हो जाएगा, ठीक है ना? और वो धनावेश क्या करता है? दूर जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ? ये धनावेश क्या कर रहा है? दूर जा रहा है। तो ऋणावेश के कारण अपना क्या हो जाएगा? ऋणात्मक आवेश के कारण फ्लक्स कैसा होगा? ऋणात्मक। धनात्मक आवेश के कारण अपने पास फ्लक्स कैसा होगा? धनात्मक।
तो बात समझ में आई, वैद्युत बल रेखाएं कैसी राशि है? वैद्युत बल रेखाएं या फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, ठीक है ना, जो ऋणात्मक आवेश के कारण क्या होती है? ऋणात्मक होती है, तथा धनात्मक आवेश के कारण क्या होती है? फ्लक्स धनात्मक होती है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या करते हैं, यहां पे लिख लेते हैं। वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, अदिश राशि है, अदिश राशि है, क्योंकि क्योंकि फ्लक्स धनात्मक आवेश के कारण धनात्मक होती है, तथा ऋणात्मक आवेश के कारण आवेश के कारण ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक ऋणात्मक होती है। तो जो सदिश राशियां होती हैं उनकी केवल एक ही दिशा होती है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे दो दिशाएं हो रही हैं, धनात्मक के लिए कुछ और है, ऋणात्मक के लिए कुछ और है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो धनावेश की क्या करता है, धनावेश से दूर जाता है, और ऋणावेश की क्या करता है, समीप आता है। या ये कह सकते हैं वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, क्योंकि फ्लक्स धनात्मक आवेश के कारण धनात्मक होती है, तथा ऋणात्मक आवेश के कारण क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो हम लोगों का ये भी हम लोगों को ये भी पता चल गया कि ये अदिश राशि होती है, ठीक है ना। इसी के साथ अब हम लोग क्या करते हैं, इनके मात्रक को निकालते हैं, मात्रक के बाद इसकी विमा को निकालेंगे, फिर इसके लिए कुछ गुण देखेंगे, ठीक है ना, फिर इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, गॉस के प्रमेय पे चलेंगे। अब हम लोग देखने वाले हैं वैद्युत फ्लक्स का मात्रक एवं विमा, का मात्रक एवं विमा, ठीक है। चलिए, तो फाइ बराबर क्या होता है, फाइ बराबर होता है ई ए कॉस थीटा, ठीक है। चलिए, तो कॉस थीटा, थीटा है इसका मात्रा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये थीटा जो होती है ये विमा विहीन राशि होती है। तो हम लोग जानते हैं वैद्युत क्षेत्र का मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम, क्या होता है, न्यूटन न्यूटन प्रति कूलम, क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलम। अच्छा ये क्या है, ए क्षेत्रफल था ना, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणे मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो आगे क्या, कॉस थीटा रेडियन होता है, लेकिन इसका मात्रक हम लोग क्या बोलते हैं, इसे विमा विहीन राशि बोलते हैं। तो बताओ फाई का मात्रक क्या हो जाएगा, फाई का मात्रक हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे मात्रक देख रहे हैं वो, तो मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इसे शॉर्टकट में हम लोग क्या लिखते हैं इंग्लिश में, एन स्मॉल एम का स्क्वायर अपॉन कितना सी, इसे बोलते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए, इसी के साथ हम लोग आगे देखते हैं इसकी बीमा क्या होती है, ठीक है ना, बीमा के बारे में बात करेंगे। तो बीमा क्या हो जाएगी, तो मात्रक पता चल गया तो बीमा निकालना बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। तो बल की बीमा क्या होती है, बल की बीमा होती है एम एल टी का पावर -2। आपको मैंने कहा था कुछ बीमा आप याद रखना हमेशा, और ये मीटर स्क्वायर है तो दूरी है, दूरी की बीमा क्या होती है, एल स्क्वायर में है तो एल स्क्वायर हो जाएगा, बटे सी का मतलब है कूलम, आवेश, आवेश की बीमा क्या होती है, कैपिटल ए कैपिटल टी। तो चलिए सभी को सेट करते हैं, एल है एल स्क्वायर तो एल क्यूब हो जाएगा, टी
टी का पावर वन है तो ऊपर जाके -1, तो -1 कितना, -2, -1, -3, ए का पावर -1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगी इसकी बीमा, एम एल का साथ एल में तो क्या हो जाएगा एल क्यूब, आगे क्या हो जाएगा टी -1 2 था तो ये भी ऊपर जाएगा -3 बना देगा, टी का पावर -3 हो गया। उसके बाद अगला क्या है, ए की पावर -1, तो ये रहा बीमा किसकी, ये रही बीमा वैद्युत फ्लक्स की, अर्थात वैद्युत फ्लक्स की बीमा क्या होती है, एम एल क्यूब टी का पावर -3 ए का पावर -1, ये रहा इसकी बीमा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसके कुछ नोट के बारे में डिस्कस करते हैं। अब वह नोट क्या होगा, यहां पे देख लेते हैं नोट, ठीक है ना। एक-एक पॉइंट हम लोग फ्लक्स के नोट के बारे में डिपेंड करेंगे, ठीक है ना, कि कहां हमें वैद्युत फ्लक्स अधिकतम मिलेगा और कब हमें वैद्युत फ्लक्स क्या करेगा न्यूनतम मिलेगा। जैसे इमेजिन करिए, आपको आपके पास मान लेते हैं कोई एक पृष्ठ है ऐसे करके, ठीक है ना। आपको पता है वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, मान लेते हैं जो वैद्युत क्षेत्र, इसको आप ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है ना। वैद्युत क्षेत्र मान लेते हैं इसी इस दिशा में है, ठीक है ना, वैद्युत क्षेत्र किसी है इस दिशा में, और पृष्ठ अपना कुछ ऐसा है, तो आपको पता है जो वैद्युत बल रेखाएं आएंगी वो पृष्ठ के सदैव कैसी होंगी, अभिलंबवत। तो पृष्ठ का अभिलंबवत ये पॉइंट है, ठीक है ना। तो वैद्युत बल रेखाएं बताओ जो क्षेत्रफल सदिश इसके क्या होगा, अभिलंबवत। तो वैद्युत बल रेखाएं इसकी कैसी होंगी, अभिलंबवत होंगी, ठीक है ना। और वैद्युत क्षेत्र कैसा है, इस दिशा में है। यदि यदि कोई समतल पृष्ठ, ऐसे पृष्ठ को हम लोग क्या बोलते हैं, समतल पृष्ठ बोलते हैं, ठीक है ना। यदि अगर वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में हो और ये पृष्ठ समतल इस तरह से रखा गया हो, अर्थात उसके लंबवत रखा गया हो, तो उस समय जो वैद्युत बल रेखाएं, अर्थात उस समय जो भी हम लोगों को फ्लक्स मिलेगा वो फ्लक्स कितना होगा। तो सीधी सी बात है, अगर वैद्युत फ्लक्स अपना क्या है, ध्यान से सुना फिर से, वैद्युत बल रेखाएं क्या कर रही है, इस पृष्ठ के अभिलंबवत आ रही है, ठीक है ना। अर्थात वैद्युत जो अपने पास ये पृष्ठ है वो वैद्युत क्षेत्र के समतल में हो, कैसा हो, वैद्युत क्षेत्र के समतल, कोई समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के या तो अभिलंबवत हो, ये वैद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत नहीं है, ये वैद्युत क्षेत्र के समांतर है, ठीक है ना। अर्थात वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, जब ये वैद्युत क्षेत्र के समांतर होगा तो बताओ थीटा कितना बनेगा, जीरो। थीटा कितना बनेगा, जीरो। अगर हम लोग कह दें कुछ ये ऐसे ही इस तरह से, तो इस तरह का मतलब क्या हो जाएगा, इस तरह का मतलब ये हो जाएगा, अब वैद्युत बल रेखा क्या करेगी, ऐसे इसके अंदर प्रवेश करेगी। और वैद्युत क्षेत्र मान लेते हैं ऐसे, वैद्युत क्षेत्र मान लेते हैं इस तरह से है, और वैद्युत बल रेखा क्या करेगी, इस पृष्ठ के अभिलंबवत प्रवेश करेगी और बाहर निकलेगी। जरा आप बताना, वैद्युत क्षेत्र ऐसे है और वैद्युत बल रेखा क्या कर रही है, इस पृष्ठ के अभिलंबवत प्रवेश कर रहे हैं, अर्थात ये जो अपने पास पृष्ठ है ये वैद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत है। वैद्युत क्षेत्र इधर है, इसको ऐसे रखा गया है, तो ये हुआ अपना पृष्ठ, ये हुआ वैद्युत बल रेखाएं। तो बताओ जब पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के क्या होगा, अभिलंबवत, तो थीटा कितना मानेंगे हम लोग, 90 डिग्री। तो कॉस 90 की वैल्यू होती कितनी है, जीरो। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोगों को जो भी फ्लक्स मिलेगा वो कितना मिलेगा, जीरो। तो यहाँ पे हम लोग कुछ कंडीशंस के बारे में लिखने वाले हैं, और वो कंडीशन ये है, औचित्य के माध्यम से देख लेते हैं। जैसे अपने पास क्या है, कोई इस तरह से ऐसे कोई पृष्ठ है, ठीक है ना। तो अब यहां से क्या कर रही है, वैद्युत बल रेखाएं इस तरह से इसके अंदर प्रवेश करेंगी। मान लेते हैं ये इसका समतल वाला पृष्ठ है, ऐसे प्रवेश करेंगी, ठीक है ना। और वैद्युत क्षेत्र भी क्या है, इसी की दिशा में है, और अपना समतल पृष्ठ इसी के डायरेक्शन में रखा गया है। तो उस समय जब वैद्युत क्या होगा, जब कोई समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के दिशा में होता है तो उस समय कोण कितना होता है, शून्य, ठीक है ना। तो उस समय जब कोण शून्य होगा तो अधिकतम फ्लक्स मिलेगा, ठीक है ना। और वही जब क्या हो जाएगा, जब किसी समतल पृष्ठ को वैद्युत क्षेत्र के क्या करते हैं, अभिलंबवत रख देते हैं, जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है जीरो। अर्थात कि कॉस 90, तब हम लोगों को कोण कितना मिलेगा, 90 अंश मिलेगा ना। तो यहां पे हम क्या करते हैं, कुछ पॉइंट्स के बारे में लिखेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, यदि यदि कोई समतल पृष्ठ, यदि कोई समतल पृष्ठ, यदि कोई समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र
के अभिलंब अभिलंबवत हो तो उस समय थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। ठीक है ना, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा होगा, यहाँ पे हमने कहा अभिलंबवत, और अभिलंबवत के लिए थीटा की वैल्यू होती कितनी है? 90 होती है, लेकिन यहाँ पे हमने लिया कितना है? जीरो। अभी आपने इस चित्र को समझा नहीं, कहने का मतलब है ध्यान से अगर देखिए तो ये समझ में आ जाएगा हम बोल क्या रहे हैं। ठीक है ना, वैद्युत क्षेत्र ऐसे हो, ठीक है ना, एक मान लेते, एक उसकी दिशा हम लोगों ने निर्धारित कर दिया। अगर पृष्ठ, ठीक है ना, वैद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत रख दिया जाए, ठीक है ना, क्या रख दिया जाए? वैद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत, तो उस समय क्या हो जाएगा? अब देखो वैद्युत क्षेत्र इधर की तरफ है, ठीक है ना, क्या है? वैद्युत क्षेत्र इधर की तरफ है, और वैद्युत पृष्ठ, हम लोग पृष्ठ को इस तरह से रख दिया, तो बताओ खूब सारा वैद्युत बल रखा है इस पृष्ठ के अंदर, प्रवेश करेंगे कि नहीं करेंगे? और जितनी वैद्युत बल रखा है प्रवेश करेंगे, वो सब किसकी दिशा में होंगी? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो कहने का मतलब है उस समय इस पृष्ठ से अधिकतम फ्लक्स निकलेगा, अर्थात अधिकतम बल वैद्युत बल रेखाएं पास करेंगी, तो इसलिए तो अपने पास फ्लक्स भी क्या होना चाहिए? अधिकतम मिलना चाहिए, तो इसीलिए अपना उस समय कोण क्या होगा? जीरो। अर्थात कोण किसके बीच में बनेगा? कोण क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र के बीच में बनेगा। ये तो पृष्ठ है, ये क्या है? पृष्ठ। पृष्ठ को हम लोगों ने क्या कर दिया? वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा, लेकिन वैद्युत बल रेखा जो क्षेत्रफल सदिश है वो तो वैद्युत क्षेत्र के ही दिशा में है ना, तो जब क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र के बीच में जब दोनों एक ही दिशा में है तो कोण कितना बनेगा? जीरो। बस केवल ये अभिलंबवत किसके लिए? ये अभिलंबवत पृष्ठ के लिए है, ना कि क्षेत्रफल सदिश के लिए है। ठीक है ना, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी जाएगी? जीरो। और जब थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो फाइव बराबर क्या हो जाएगा? फाइव बराबर हो जाएगा E A cos 0, और cos 0 की वैल्यू होती कितनी है? 1। तो हम लोगों को फ्लक्स कितना मिलेगा? E बराबर कितना? फाइव बराबर E इंटू ए, अर्थात उस समय हमें फ्लक्स क्या मिलेगा? अधिकतम फ्लक्स मिलेगा। ठीक है, चलिए सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट ये कहता है अगर आप फ्लक्स के बारे में बात करें उसी का डिस्ट्रोटर कर दीजिए, यदि कोई समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के क्या हो? लंबवत ना होकर के समांतर हो। तो अब आप याद करिए, जब वो समांतर होगा, फिर से इसी क्या हम इमेजिन करते हैं, जब ये समांतर होगा तो हो जाएगा क्या? वैद्युत क्षेत्र इसी में पृष्ठ भी उसी के समांतर रखा गया है। ठीक है ना, अब बताओ क्षेत्रफल सदिश कैसा है? अब बताओ क्षेत्रफल सदिश जो होगा वो इसके क्या हो जाएगा? अभिलंब। वैद्युत क्षेत्र के क्या होगा? अभिलंबवत होगा। जब ये अपना वैद्युत क्षेत्र इधर की तरफ, पृष्ठ भी इसी के समांतर रखा गया है, और क्षेत्रफल सदिश क्या है? वैद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत, तो ई और ए के बीच में कोण कितना बनेगा? ये है अपना ए, ठीक है ना, क्षेत्रफल सदिश, और ये अपना क्या है? वैद्युत क्षेत्र। तो इसके और इसके बीच में कोण कितना बना? 90 अंश। जब कोण 90 अंश बन रहा है तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? तो कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है, इसलिए पूरा का पूरा फ्लक्स क्या हो जाएगा? शून्य। तो हम लोग ये कह सकते हैं उस पृष्ठ से कोई फ्लक्स नहीं गुजर पाएगा। ठीक है ना, तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? यदि यदि कोई समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर समांतर हो तो उस समय ई और ए के बीच में जो कोण बनेगा वो होगा 90 डिग्री। कितना होगा? 90 डिग्री। तो हम लोगों को पता है फाइव बराबर क्या होता है? फाइव बराबर होता है ई ए कॉस थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 अंश। तो कॉस 90 की वैल्यू होती कितनी है? जीरो। तो फ्लक्स कितना मिलेगा? जीरो। तो उस समय उस पृष्ठ से कोई फ्लक्स हम लोगों को प्राप्त नहीं होगा। अब हम लोगों का पूरी तरह से वैद्युत फ्लक्स की जो कहानी चल रही थी अब तक वो क्या हो गई? समाप्त हो गई। आपको मैं चित्र के माध्यम से भी समझाया, ठीक है ना, अब कब हम लोगों का पृष्ठ कैसे किस तरह से वैद्युत क्षेत्र में पृष्ठ को रखना है, ठीक है ना, किस तरह से नहीं रखना है, अगर हमें फ्लक्स जीरो रखना होगा,
अगर हमें फ्लक्स क्या चाहिए, जीरो चाहिए, तो याद रखना उस पृष्ठ को आप क्या कर देना, वैद्युत क्षेत्र के समांतर रख देना, तो फ्लक्स आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको फ्लक्स चाहिए तो आप उस पृष्ठ को क्या कर देना, वैद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत रख देना, तो आपको पृष्ठ क्या हो जाएगा, आपको उस समय जो फ्लक्स मिलेगा वो क्या होगा, वो अधिकतम प्राप्त होगा, ठीक है ना। इसी के साथ अब हम लोग आगे बात करेंगे इसके बारे में, गॉस के नियम के बारे में, और वो जो गॉस का नियम है वो इसी फ्लक्स से संबंधित है, इसीलिए हम लोगों ने सबसे पहले किसको पढ़ा, फ्लक्स के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। तो अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं किसके, गॉस का नियम। तो गॉस का नियम पढ़ेंगे, फिर इसका हम लोग क्या करेंगे, आगे चल करके गॉस के नियम का निगमन भी इसी फ्लक्स के आधार पे करेंगे, ठीक